मॉर्निंग दिया भाभी। गुड मॉर्निंग भावना। मॉर्निंग तो गुड ही गुड होती है जी, बात तो सारी रात को होती है। कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? अरमान भाई ने सोने दिया या सारी रात जगा के रखा? मेरी छोड़, अपनी बताओ, तुम तो चैन से सोई होंगी ना? कहाँ, मैं तो सारी रात सो ही नहीं सकी, बस यही सोचती रही कि पूरी रात कहीं भाई आपसे अरुंधति तारा तो नहीं ढूंढवाते रहे। कल बहुत अपसेट थे ना वो। किसने कहा वो अपसेट थे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं क्या हुआ भावना? मुझे तो सिर्फ एक तारा नहीं दिखा, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर तो लग रहा है तुम्हें दिन में ही दिख गए तारे, वो भी कितने सारे। पहली रसोई है ना आपकी दिया भाभी, क्या बना रही हैं? खीर, देखो। इलायची वहां कैबिनेट में। थैंक्स। कुछ ज्यादा ही चहक रही हो सुबह सुबह, मुझे दिन में तारे दिखा रही हो। ठीक है, तुम भी सूरज चांद सितारे सब एक साथ देख लो। गलत लड़की से पंगा मोल ले लिया है दिया भाभी। अभी तुम भावना को जानती ही कहाँ हो? जानती हूँ, आज पग फेरे की रस्म है। हाँ, मैं टाइम से आ जाऊंगी, अरमान को भी लेकर आऊंगी। अच्छा फोन रखती हूँ मैं, अभी मैं खीर बना रही हूँ। हाँ हाँ, आपकी इज्जत रख लूंगी। चलो रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। भावना, तुम्हारे मजाक तो कल से ही चले जा रहे हैं, लेकिन तुम शायद भूल गई कि मैं होटल इंडस्ट्री में काम करती हूँ, वो भी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में। हमारा पहला उसूल है कि खाने में कुछ भी डालने से पहले ना उसे टेस्ट किया जाए। यार तुम्हारा तो ये मजाक भी फेल हो गया। आई एम सो सॉरी। एक एडवाइस दूं मैं तुम्हें, मुफ्त की है, ले लो, काम आएगी। तुम्हें ना अब कुछ नई ट्रिक सोचनी होंगी। यार ये शक्कर की जगह नमक, नमक की जगह सोडा, भावना ये सब चाले पुरानी हो गई है, कुछ नया सोचो भावना। क्या दिया भाभी आप भी, ये ननद भाभी के बीच का हंसी मजाक है, समझती नहीं है क्या आप भी? भावना तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम बाहर जाओ और सबके साथ बैठो और कुछ नया मजाक सोचो, तब तक मैं खीर लेकर आती हूँ बादाम डाल के। वो तो क्या है ना, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। ट्रस्ट मी।
मैं खीर बहुत अच्छी बना लेती हूँ। चांदनी चौक वालों की बेटी से पंगा ले रही हो। चांदनी चौक की जनानी को जानती कहां हो तुम भावना? बेटा कैलाश वालों को कच्चा चबा जाए और डकार भी ना ले। जीजू अभी ये देखो। ये क्या यार, बच्चों वाला मारा, ये देख। क्रिश, ये क्या तरीका है, बंद करो ये सब। मम्मी यार, आप भी थोड़ी हंसी मजाक कर लो, आपकी सेहत सही रहेगी। चलो भाई आपकी बारी। हाँ, now watch me. अरमान तुम भी? ये कोई हंसने वाली बात है क्रिश? फॉर्ड लोग ऐसे हंसते हैं, कहाँ के मैनर्स है ये? हाँ, चांदनी चौक के मैनर्स है ये सब। बुरा मत मानेगा मम्मी, लेकिन यहाँ पर अब यही सब चलेगा। हालत डाल लीजिए। क्या बोल रही हो भावना तुम? मजाक हम लोग कर रहे हैं ना, दिया को टारगेट क्यों कर रही हो? नॉट फेयर। दीदी रामकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कल कहा था ना आज से काम पे मत आना। हाँ, झूठा इल्जाम लगाकर हटा तो दिया, लेकिन हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है। हम तो सिर्फ हमारी तनख्वाह लेने आए थे, हमारे बकाया रुपए दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ठीक है, बहू की शगुन की रस्म हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ। जाओ बाहर बैठो। भाभी आपकी हाथ की खीर खाने के लिए तरस गया हम। दीजिए। भावना ये खाओ। भाभी ठीक, खीर टू गुड है। सच में दिया भाभी, क्या कमाल की खीर बनाई है आपने। भावना तुम्हें भी अपनी भाभी से इतनी अच्छी रेसिपी सीख ही लेनी चाहिए, राइट? मम्मी सबसे पहले आप टेस्ट करके बताइए, आपकी पसंद ना पसंद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मक्का अंजू आंटी की रेसिपी है ना, वर्ल्ड्स बेस्ट खीर, मैंने आज तक नहीं खाई ऐसी। मतलब अच्छी है, लेकिन जो खीर मम्मी बनाती है ना वो नंबर वन है, ये सेकंड बेस्ट। मम्मी जी, भाभी की पहली रसोई तो हो चुकी है, अब आपको इन्हें शगुन देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा शगुन, शगुन रेडी है, मैं अभी लाई। ये लो बेटा, ये डायमंड इयररिंग्स मैं और भावना खास जाकर पलकी, मेरा मतलब है अरमान की बहू के लिए चुन के लाए थे। आई होप तुम्हें पसंद है। मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है सुधा आंटी, लेकिन अगर बात मेरी पसंद ना पसंद की है तो मुझे ये इयररिंग्स नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे कुछ और मांगू तो देंगे आप? वैसे तो अपनी सबसे कीमती चीज मैं तुम्हें दे चुकी हूं, मेरा बेटा।
पर अगर मेरे बेटे की दुल्हन मुझसे कुछ मांगेगी तो मैं मना कैसे करूंगी? सब जानते हैं कि अरमान की माँ उसे कितना प्यार करती है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें दिया? मैं चाहती हूँ कि आप रामकली को काम पे वापस रख लीजिए। मैं नहीं चाहती कि लोग ऐसा सोचे कि घर की नई बहू के घर पे कदम पड़ते ही घर की इतनी पुरानी मेड को घर से निकाल दिया। ये तुम कह रही हो दिया, ये जानते हुए कि तुम्हारी हल्दी के वक्त उसने तो कह रही है उसने हल्दी को हाथ भी नहीं लगाया और ये तो अपने बच्चों की कसम भी खाने को तैयार है। और तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है? हो सकता है ये झूठ बोल रही है। आंटी अब झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता ना। और फिलहाल तो सच यही है कि रामकली को हल्दी में किसी ने कुछ मिलाते हुए देखा नहीं और अगर देखा होता तो वहीं टोक दिया होता, है ना भावना? जो भी हुआ है हमने रामकली को काम से निकाल दिया हमेशा के लिए और अब वो वापस नहीं आ सकती। मुझे लगता है सुधा आंटी हमें रामकली को एक और मौका देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा दिया भाभी, चाहे आप जितनी मर्जी जिद कर लीजिए। इस घर के सारे डिसीजंस मम्मी लेती आई और आगे भी वही लेंगी। एक बार मम्मी ने उसे काम से निकाल दिया तो निकाल दिया। लेकिन भावना अभी अभी तो सुधा आंटी ने कहा कि वो अपने अरमान के लिए कुछ भी कर सकती है, तो अगर उनके अरमान की दुल्हन उनसे शगुन में एक छोटा सा तोहफा मांग रही है तो इतना भी नहीं करेंगी? अब तो खुश होना रामकली, तुम्हें तुम्हारा काम वापस मिल गया। हाँ बहू रानी, आपने हमारे छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बचा ली, आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे? ऐसे क्यों बोल रही हो रामकली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है सुधा आंटी ने किया है, उनके कहने पर ही तो तुम्हें वापस रखा गया ना। अगर तुम्हें एहसान ही मानना है तो उनका मानो, उन्हें ही तुम्हारे बच्चों की फिक्र होगी तभी तो इतनी आसानी से मान गई। बहुत अच्छी तरीके से जानते हम सुधा दीदी को, उन्हें तो सिर्फ फिक्र है तो अपनी और अरमान भैया की, बाकी लोग चाहे जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कहा तुमने रामकली? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे थे बहू रानी आज खाना क्या बनाएंगे। मुझसे क्यों पूछ रही हो, जाओ जाके सुधा आंटी से पूछो। उनसे क्या पूछना? क्यों, आज से पहले उनसे पूछते आए हो ना, तो आज क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब था जब तक इस घर में कोई बहू नहीं थी तो उनका अकेले का राज चलता था, लेकिन जब आप आ गई हो तो जो भी इस घर की आप ही हो, आप ही बताओगी ना। उन्होंने तुम्हें काम से निकाला इसलिए तुम नाराज हो ना उनसे, लेकिन जरा उनकी ओर से भी सोच के देखो। घर में शादी का माहौल था, कितने स्ट्रेस में होंगे, ऊपर से हल्दी का मामला, हो गई गुस्सा। एक बात याद रखना रामकली, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दो छोटे बच्चे हैं और पति भी काम नहीं करता है, इसलिए मैंने सुधा आंटी के फैसले के अगेंस्ट जाकर तुम्हें यहाँ काम पे वापस रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंटी की इज्जत इस घर में कम हो गई है, वो आज भी इस घर की सबसे बड़ी है और अरमान की मम्मी है और अरमान उन्हें बहुत चाहते हैं। मैं उनकी जरा सी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे तुम्हें यहाँ रखने के फैसले पे पछताना पड़े, समझी? जी बहू रानी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।